जय श्री कृष्णा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मंगलवार यानी ट्यूसडे को जन्मे व्यक्तियों के बारे में विशेष चर्चा की, उनके संपूर्ण जीवन काल की हमने यहां पर विस्तृत जानकारी हासिल की। चलिए आज बात करते हैं बुधवार यानी वेनेसडे को जन्मे लोगों के बारे में कुछ विशेष बातें। बुधवार को पैदा हुए लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, उनका कैरियर कैसा रहना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसे रहता है, यहां तक कि शुभ दिन, शुभ अंक, शुभ तिथि क्या होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। इन सभी बातों पर आज हम यहां पे चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बुधवार को जन्मे व्यक्तियों की शारीरिक बनावट की। बुधवार को जन्मे जातकों पर बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ये ज्यादातर छोटे कद के होते हैं, दिखने में दुबले पतले होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं इनकी, छोटी छोटी आंखें होती हैं लेकिन सुंदर होती हैं, फुर्तीले होते हैं, दिखने में आकर्षक होते हैं और बात के धनी होते हैं, बहुत बोलते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, अपनी बातों से ही, अपनी वाणी से ही, इनकी वाणी बहुत मीठी होती है, अपनी इसी मधुर भाषा का प्रयोग करके ही ये अपने बड़े से बड़े कार्य को आसानी से हल कर लेते हैं, यानी कि दूसरों से काम निकालना ये अपने इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है इन्हें, स्किन का पूरा ख्याल भी रखते हैं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग, सफाई पसंद लोग होते हैं ये। चलिए आगे बात करते हैं बुधवार को जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, कुछ विशेष बातें जो इनमें पाई जाती हैं। बुध ग्रह ज्ञान, बुद्धि और व्यवहारिकता का परिचय देता है। सूर्य के सबसे नजदीक है ये, इसलिए बुधवार को पैदा हुए लोगों में जन्मजात टेलीपैथी की क्षमता होती है, यानी कि इन लोगों में दूसरों के मन की बात को जानने की आसानी से ये पढ़ सकते हैं, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इस बात को ये आसानी से समझ जाते हैं, दूसरों के मन की बात आसानी से पढ़ लेते हैं। बुध ग्रह कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, इसीलिए इनकी बातें ज्ञानवर्धक होती हैं, दार्शनिकता से भरी होती हैं, एक समय में दो काम ये आसानी से कर सकते हैं, एक समय में दो चीजों पर आसानी से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एक साथ दो काम कर सकते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बुधवार को जन्म लेने वाले लोग थोड़े बेचैन किस्म के रहते हहैं, इनको बेचैन प्राणी कहा जाता है, हमेशा चिंतित और बेचैन नजर आएंगे आपको, किसी ना किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, थोड़े से लापरवाह किस्म के भी होते हैं ये, जिज्ञासु होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस के दम पर, अपने व्यवहार और मधुर वाणी के दम पर लोगों को अपना दीवाना बनाए रखते हैं। इनके व्यवहार में एक अद्भुत खिंचाव आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। इनका मन जिज्ञासु भरा होता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनको, व्यवहारिक होते हैं ये लोग, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इन्हें एक अच्छा थिंकर भी कहा जा सकता है।
स्वभाव से बहुत ही तेज बुद्धि वाले होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, सभ्य होते हैं, छल कपट की संभावना कम देखी जाती है। अपने माता पिता, गुरुजन और बड़ों की सम्मान करते हैं, सेवा भाव रखते हैं और उनसे बेहद लगाव रखते हैं। सोसाइटी में भी काफी एक्टिव रहते हैं, लोगों के सुख दुख में उनका साथ देते हैं, उनकी हर संभव मदद भी करते हैं। अपनी मीठी वाणी और व्यवहार से ये लोगों के बेहद करीबी मित्रों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि ये लोगों के बिना मांगे ही उनको सलाह देना शुरू कर देते हैं। लोग इनसे सलाह मांगे ना मांगे, ये अपनी सलाह दिए बिना नहीं मांगते। ये लोग परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में भी माहिर होते हैं, वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी मेहनत और अपनी स्मार्टनेस के कारण ये अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। ये एक अच्छे आलोचक होते हैं, तर्क वितर्क करने की इनके अंदर बेहद क्षमता होती है, बहस करने में ये पीछे नहीं हटते, हर छोटी बात को पकड़ लेते हैं और उस पर अपनी राय कायम किए बिना नहीं रहते। सामने वाले से अपनी बात मनवाए बिना ये नहीं रहते, ये जो कह रहे हैं उस पर अड़े रहते हैं। जब तक वो सामने वाला इनकी बात ना माने तब तक ये अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे और सामने वाले को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं। अपने मधुर स्वभाव से ये हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखते हैं, धन को सोच समझकर खर्च करते हैं, इसलिए इन्हें धन की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है। ये लोग कैलकुलेशन करने में बहुत माहिर होते हैं, इनके अंदर व्यापारियों वाला गुण ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा बोलते हैं ये लोग और अपनी लच्छेदार बातों से अपना काम दूसरों से कितनी आसानी से निकाल लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, वो ना भी नहीं कर पाता। ये सिर्फ वाणी से ही प्रहार करते हैं, इसलिए थोड़े डरपोक किस्म के भी होते हैं। बुधवार को जन्मे व्यक्ति उच्च शिक्षा पाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इनकी शिक्षा में बाधा भी पड़ती है, इनकी शिक्षा में बाधा पड़ती भी देखी गई है। खेलकूद में रुचि रखते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, लोगों को पल भर में हंसाने में, हंसी मजाक करने में, मनोरंजन करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये एक अच्छे हास्यकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, किसी ना किसी कला में ये निपुण हो सकते हैं, इन्हें आप मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं। ये चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, एक ही चीज पर ज्यादा देर तक, लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। काम की शुरुआत जितने उत्साह से शुरू करते हैं उसे कंप्लीट करने से पहले ये ऊब जाते हैं उस काम से और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं। प्लानिंग के बिना काम करते हैं, इसी कारण से इनको परिणाम अच्छे भी नहीं मिलते हैं कई बार। ये अपनी बोलचाल में, कभी ध्यान से सुनिएगा, इनकी लैंग्वेज जो होती है वो द्विअर्थी होती है। ये अपनी बोलचाल में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, समय और स्थान के अनुसार अपनी बात से पलट जाना इन्हें अच्छे से आता है। अपनी बात से भी पलट सकते हैं ये, अगर परिस्थिति इनके फेवर में नहीं है तो ये अपनी ही कहीं बात से पलट जाएंगे, इन्हें इसमें कोई भी झिझक महसूस नहीं होगी। इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति व्यक्तियों की युवावस्था मौज मस्ती में गुजरती है, इनके कैरियर के लिए भी इन्हें ज्यादा सीरियस होते नहीं देखा गया यंग एज में।
जनरली युवावस्था में ये लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, लेकिन वृद्धावस्था आते आते इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वैसे तो इनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो सामने वाले की खैर नहीं होती। आसानी से फिर किसी को माफ भी नहीं करते हैं अगर किसी ने धोखा दिया तो। जो एक बार इनकी नजर से उतर गया, समझो उतर गया, फिर उसकी तरफ ये देखते भी नहीं है। पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं ये। इन्हें ट्रैवलिंग करने का भी बहुत शौक होता है, हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं बुधवार को जन्मे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में। ये लोग साफ सफाई का बेहद ख्याल रखते हैं, इसलिए इन्हें बीमार होते हुए भी कम देखा गया है। इन्हें ऑयली और मसालेदार खाना बेहद पसंद है, जिस कारण इनके मुहासे, फोड़े फुंसियां, खुजली, कफ, डाइजेशन की प्रॉब्लम जैसी पित्त समस्याएं ज्यादा होती देखी गई हैं। बदलते मौसम में इनको खांसी कफ की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। युवावस्था अच्छी गुजरती है इनकी, यंग एज अच्छी गुजरती है, वृद्धावस्था में इनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए ख्याल रखिए, कई बार इनकी बुद्धि और वाणी, अपनी बुद्धि और वाणी का ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कई बार साइड इफेक्ट पड़ जाता है। इनकी बुद्धि और वाणी पर ज्यादा असर पड़ने के कारण कोई विकृत समस्या, कोई सीरियस प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है दिमाग संबंधी। चलिए आगे बात करते हैं बुधवार को जन्मे व्यक्तियों के कैरियर और व्यवसाय की। सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसी कारण ये लोगों का दिल जीतना आसानी से जीत लेते हैं। लेकिन दूसरों की खामी इनके अंदर ये है कि दूसरों की ये पीठ पीछे बुराई करते हैं, सामने तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, जिससे काम निकलता है उसके पीछे पड़ जाते हैं और अपने फायदे के लिए अपनी ही बात से मुकर भी जाते हैं। इन्हीं कारण से कई बार ये लोगों की नजरों में गिर भी जाते हैं और इस कारण से लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली इसी कारण से ये कई बार सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं, सीरियस नहीं हो पाते काम में। ये सभी कामों में एक्चुअली हाथ डाल लेते हैं, इन्हें ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है, उन्हें सब करना है, सभी कामों में हाथ डाल लेते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी हर काम में इंटरफेरेंस हो, हर काम में इनकी पूछ हो। जो इनके व्यक्तिगत जीवन, इनके पर्सनल लाइफ से लेकर इनके फील्ड में भी, कार्य क्षेत्र में भी इनके इस बात का बुरा असर पड़ता है कि सभी के कामों में हाथ डाल लेते हैं, अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम में भी इंटरफेरेंस करते हैं। काफी तेज बुद्धि वाले होते हैं, इन्हें एकेडमिक फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा सकता है, कला के क्षेत्र में देखा जा सकता है, खेल कूद में, अकाउंटेंसी, गणित से संबंधित कार्य, क्लर्क, बैंक ऑफिसर, टीचर, सिंगर, राइटर, कमीशन एजेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंश्योरेंस और एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े कामों में इनको सफलता हासिल हो सकती है। इनमें ट्रेडिंग, कमीशन एजेंट और मार्केटिंग से संबंधित व्यवसाय करने के सभी गुण इनमें विद्यमान होते हैं, उनमें ये अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। इनका संबंध पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों से ज्यादा होता है। विपरीत परिस्थितियों में इनके परिवार के लोग और इनके मित्र इनके बहुत काम आते हैं। इनके जीवन का 22वां साल संघर्षपूर्ण होता है और 32वां साल इनका भाग्योदय का होता है। अब बात करते हैं बुधवार को जन्मे व्यक्तियों की लव लाइफ की, इनकी मैरिड फैमिली लाइफ की और इनके दोस्त कैसे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्ती से ही। इनके बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली होता है, आवाज में जादू होता है, बहुत मीठी वाणी होती है इनकी।
गुस्सा कम आता है, लाइफ के फैसले खुद करते हैं अपनी लाइफ के, काफी केयरिंग भी होते हैं ये, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं, दूसरों को खुश रखने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए इनकी मित्र मंडली भी काफी बड़ी होती है, मित्र मंडली इनकी बहुत बड़ी होती है। आगे बात करते हैं इनकी लव लाइफ की। बहुत लकी होते हैं, बहुत भाग्यशाली है प्यार के मामले में, हर कोई इनके करीब आना चाहता है। इसलिए इनके एक नहीं कई अफेयर्स होते हैं, कई प्रेम संबंध होते हैं इनके। इनका मन बहुत चंचल होता है। बुध ग्रह को युवराज की उपाधि दी गई है, एक बालक की तरह, एक बालक जैसे चंचल होता है, ये जातक भी चंचल स्वभाव के होते हैं। लेकिन अपने पार्टनर के बहुत चहेते होते हैं ये। इनके व्यवहार में एक अद्भुत खिंचाव होने के कारण ये फ्लर्ट करने में माहिर होते हैं, फ्लर्ट बहुत अच्छा करते हैं। अगर पार्टनर रूठ जाए तो कैसे मनाना है ये भी इन्हें अच्छे से आता है। कहा जाए तो ये प्यार के मामले में ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना इनका शगुफा होता है, इनकी यंग एज में यही सब चलता है। वैसे तो ये प्यार में पड़ते नहीं है, लेकिन अगर सच में इन्हें प्यार हो जाए तो फिर ये उस व्यक्ति को धोखा भी नहीं देते हैं, फिर उसे वो अपना जीवन साथी बनाने की चाह रखते हैं। समझदार होते हैं इस बात में, इसलिए इन्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, एक समझदार लाइफ पार्टनर चाहिए। और इनकी विश पूरी हो भी जाती है, ये चाहत पूरी हो जाती है इनकी। कहा जाए कि ये इन लोगों की लव लाइफ भले ही रोलर कोस्टर की जैसी सवारी करने जैसा हो, इनकी लव लाइफ भले ही रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा हो, लेकिन बात जब जीवन साथी की आती है, लाइफ पार्टनर की आती है और जीवन में स्टेबिलिटी लाने की होती है, तो ये एक समझदार पार्टनर का चुनाव करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि शादी के बाद इनका जीवन बहुत ही मधुर होता है, बहुत मधुर होता है। ये एक अच्छे पार्टनर साबित होते हैं, समाज में अपनी पत्नी को पूरा मान सम्मान देते हैं। इनका सबसे अच्छा गुण ये भी है कि अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करना चाहते, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ये कहा जा सकता है कि ये लोग अपने दोस्तों और परिवार के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बुधवार को जन्मी महिलाओं के बारे में। बुधवार को जन्मी महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है और कैसी होती है? बुधवार को जन्मी महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं, तेज दिमाग वाली होती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं, अपनी एजुकेशन से लेकर सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करती हैं, एक मुकाम हासिल करती हैं, आत्मनिर्भर रहना पसंद करती हैं, किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेती हैं, अपना काम दूसरों से कैसे निकलवाना है ये इस बात में भी माहिर होती हैं, मीठा बोलकर कैसे काम निकलवाना है ये बहुत अच्छे से जानती हैं। इनके सपने बड़े बड़े होते हैं। प्यार के मामले में दिल और दिमाग ये दोनों से काम लेते हैं, इमोशनल फूल नहीं बनते, दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हैं। भावुक होती हैं बहुत, वैसे बहुत भावुक होती हैं ये लोग, छोटी छोटी बात पे बुरा भी मान जाती हैं। कब रूठ जाएं, किस बात पर, किस बात को पकड़ के बैठ जाएं, आप कह नहीं सकते, लेकिन देखा गया है कि इनकी ये आदत इनके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है, वो इन्हें मनाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि समय के साथ एक मैच्योरिटी लेवल आने पर ये बातें इनके अंदर कम हो जाती हैं। इनमें कमी भी है, ये दूसरों की आलोचना करने में, उनमें कमियां निकालने में बहुत माहिर होती हैं, हाजिर जवाब होती हैं,
बात इधर की उधर फैलानी हो तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना होल्ड रखने के लिए अपने पार्टनर से भी ये बहस तक कर जाती हैं। आइए बात करते हैं अब बुधवार को जन्मे व्यक्तियों को अपने जीवन में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपने आपको हर काम में इंटरफेरेंस करनी बंद करनी होगी। सभी कामों में आप अपनी दखलंदाजी ना करें, अपने विचार दूसरों पर जबरदस्ती ना थोपें, अपने दोहरे व्यक्तित्व से बाहर निकलें, एक समय में एक ही काम की शुरुआत करें और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरे काम को बढ़ें। अपने काम को पहले उसके मुकाम तक ले जाएं, उसका रिजल्ट पाएं पहले। अपना फोकस अपने काम पर पूरी तरह से रखिए, पूरी प्लानिंग के साथ काम कीजिए और कंप्लीट कीजिए। आप बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएं, शिव जी और गणेश जी की आराधना करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों की बुराई मत कीजिए, मतलबी व्यवहार मत रखिए, अपनी बात से मत पलटिए, समय अपनी बात से पलट जाने की ये जो आदतें हैं इन सबको आप दूर कीजिए, इनसे आप विश्वास खो देंगे, ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे। हमेशा अपनी ही कहीं बात पर मत अड़े रहिए, दूसरों की भी बात सुनिए, सामने वाला क्या कह रहा है दूसरों की बात को भी सुनिए, समझिए, उनकी बात को भी तवज्जो दीजिए। आपका ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आपको अपने प्रियजनों से भी दूर कर सकता है। अच्छा यही है कि आप उनकी भी बात को तवज्जो दें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपका शुभ अंक होता है 5, शुभ रंग है आपके लिए हरा और शुभ दिन है आपके लिए बुधवार और शुक्रवार। तो ये थी चर्चा बुधवार को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।